Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending. Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY sahulatbazaar.pk 021-111-00162 Powered by ARY Sahulat Wallet. उस्मान तुम, तुम्हारा क्या हुआ हर वो जुल्म? याद है मुझे, भूली नहीं। कितनी रातें गिनवाऊं बताओ, कितनी बातें गिनवाऊं। मेरी जिंदगी का वो एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, हाँ छोड़ो ये सब बातें, पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर ना भुला सकी तो मुझसे शिकायत मत करना। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है रजा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया अमदान। क्या फैसला? कैसा फैसला? और तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम्हारे फैसलों के मुताबिक चलती है क्या? दुनिया का पता नहीं, लेकिन तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, हर मौके पर, हर जगह। आखिरी बार दे दो। हमेशा दिया लेकिन अब नहीं दूंगा। आई कांट हेल्प यू एनी मोर रजा, प्लीज। अगर तुम ऐना को डिवोर्स दे दोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। मैं मोहब्बत करता हूं उससे यार, और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। दरमियान में जो कुछ हुआ, अगर उसको थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है हमदान। रजा तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुम चाहोगे जब चाहोगे वैसा ही हो जाएगा? क्योंकि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। हैना को मेरा साथ मिल जाएगा, मेरी मोहब्बत मिल जाएगी, और गुड़िया को तुम्हारी। सब वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तुम एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो अमदान। अगर तुम ये कर लोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये आखिरी बार अमदान, तुम प्लीज मेरा इस चीज में साथ दो। इसके बाद दोबारा मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं दोबारा कभी तुम्हारी मदद करूंगा भी नहीं। इतने प्यारे फूल हैं, तुम्हें भेजने वाले पर गुस्सा है या खुद पर गुस्सा है? और ये क्या, तो दिलावर भाई की शादी की पिक्चर्स हैं, ये तुम्हें किसने भेजी? रजा ने। रजा ने भेजी? क्यों? तुम तो अमदान भाई के निकाह में हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ बताओगी? बताने को कुछ है नहीं, मैं बस अपने हालात और किस्मत के चक्कर काट रही हूँ। अब तो अपनी बदनसीबी पर मुझे ना रोना आता ना दिल दुखता मेरा। तुम्हारा हमदान भाई से कोई राबता हुआ है? क्या कहूं मैं उनसे? यहां आने से पहले उनसे जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम साथ थे। क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना?
मुझसे शादी से पहले हमदान रजा की बहन में इंटरेस्टेड थे। दोनों की मंगनी हो चुकी और अब बहुत जल्द उनकी शादी भी हो जाएगी। और तुमने इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ दी। जबरदस्ती शामिल होने वालों के लिए जिंदगी में तो जगह बन जाती है अम्मा, दिलों में कभी नहीं बनती। और अगर मैं इतनी खुशनसीब होती तो रजा की बातों में आकर घर से कदम उठाकर मैं इतनी रुस्वा नहीं होती। कैसी हो ऐना? कौन? अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा कि तुम मेरी आवाज ना पहचान सको। एक वक्त था जब तुम मेरी आवाज को अपनी जिंदगी कहा करती थी। क्यों फोन किया मुझे? मैं सब ठीक करना चाहता हूँ ऐना, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, सब पहले की तरह हो जाए। क्या बकवास है, ये होश में तो हो? होश में तो अब आया हूँ ऐना, और पूरे होशो हवास में तुम्हारा साथ मांग रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज सब पहले जैसा कर दो ऐना, एक मौका दो, प्लीज जस्ट गिव मी अ चांस। आइंदा मुझे फोन मत करना रजा। ना प्लीज फोन उठाओ, ना प्लीज फोन उठाओ है ना। हाँ उस्मान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हाल है मेरा बच्चा, दिल लग गया तेरा? खाना तो ठीक से खाता है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस अपना ख्याल रखा करें, मेरी फिक्र करना छोड़ दें आप। अरे कैसे फिक्र करना छोड़ दूँ, माँ हूँ तेरी। और ये जो तेरा वीरान लहजा है ना, ये मेरा दिल चीर देता है। मैं इसी काबिल हूँ अम्मी। खैर छोड़ें, आप ये बताएं मामू कैसे हैं? हाँ ठीक है मामू। वो कल आयमा के एडमिशन की खुशी में उन्होंने दावत रखी है। मुझे भी फोन आया था, बुला रहे थे, तो कल जाऊंगी मैं जरूर। आयमा कैसी है, वो खुश तो है ना? वो हाँ बहुत खुश है, उसका ख्वाब पूरा हो गया ना, मेरा बहुत ख्याल रखती है। दिन में दो दो बार फोन करती है और ताकीद करती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखे। सब कुछ ठीक है बेटा, लेकिन बस तेरी कमी है। मैं आ जाऊंगा मैं आ जाऊंगा, लेकिन तब तक नहीं आऊंगा जब तक आयमा मुझे खुद नहीं बुलाती। लेकिन क्यों? क्योंकि यही मेरी सजा है अम्मी, ये तन्हाई, ये अजनबीयत, सख्त मौसम, जब तक वक्त पूरा नहीं होता मुझे ये सजा काटनी है अम्मी। ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं आयमा के लिए कर रहा हूँ। और अगर वो फिर भी ना लौटी तो भी कोई गिला नहीं। जितना बुरा मैंने उसके साथ किया है, उसका अजाला करने के लिए ये उम्र ना काफी है।